तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यहाँ पर 8000 रुपए के अंदर पांच ऐसे स्मार्टफोन्स की जो कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे किसी को अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो किसी को अच्छे कैमरा चाहिए, और वहीं पर आपको कुछ ऐसे यूजर्स भी देखने को मिल जाएंगे जिन्हें दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी बैटरी लाइफ का सपोर्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर काफी सारे ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्हें यहाँ पर एक गेमिंग स्मार्टफोन परचेज करना है। दोस्तों हम यहाँ पर सभी तरीके के स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक थोड़े से पुराने स्मार्टफोन, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं रेडमी की तरफ से रेडमी 8A Dual। थोड़ा सा पुराना जरूर हो चुका है लेकिन अभी भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की। हिसाब से यहाँ पर वो डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से इसे एक्सपेंड कर पाएंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। सो बेसिक फीचर्स हो गए, बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.2 इंचेस की HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको ब्राइटनेस भी काफी अच्छी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो देखा जाए दोस्तों, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। और इसके बैक में आपको यहाँ पर दो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और इसके साथ में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पर दोनों ही कैमरा से कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। जहां तक बात है इस फोन के बैटरी बैकअप की, तो इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस प्राइस के हिसाब से, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में एक अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 439 का चिपसेट, जो कि आपको 12nm पे देखने को मिलता है, जहां पर आपको डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग और साथ ही नॉर्मल गेमिंग में कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Qualcomm के जो प्रोसेसर होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको 2GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसे आप एक्सपेंड भी कर पाएंगे 512GB तक। इसके अलावा इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इन दोनों चीजों से अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो काफी कमाल का पैकेज है, अगर आप चाहें तो इस फोन के साथ में भी जा सकते हैं। सो गाइस, ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पर इसका 232 वाला आपको मिल जाएगा 7499 रुपए की प्राइस पर, वहीं पर इसका 3 और 32 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा यहां पर 8299 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो यहां पर इस फोन को भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर अगले स्मार्टफोन की दोस्तों, और अगला स्मार्टफोन भी आपको यहां पर थोड़ा सा पुराना देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन है यहां Realme की तरफ से Realme Narzo 20A। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये स्मार्टफोन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन यार ऑफलाइन मार्केट में आप चेकआउट कर लीजिए, ऑफलाइन मार्केट में ये स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो चलिए बात करते हैं पहले यहाँ पर स्मार्टफोन की दोस्तों। तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब कि आप यहाँ पर 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हुए स्मार्टफोन के बेसिक फीचर्स, चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है यहाँ पर 6.5 इंच की HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले अच्छी है और साथ ही प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल गाइज आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको बैक में 3 कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको इस प्राइस पर किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा। इसके साथ में आप अगर यहाँ पर फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर आपको 10 वोल्ट की चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। और गाइस बात करें यहाँ पर इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में,
तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 665 का चिपसेट, जो कि आपको 11nm फैब्रिकेशन पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 64-bit आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। ये एक ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, जहां पर आपको 8 कोर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 4 कोर आपको देखने को मिल जाएंगे 2 GHz पर, जहां पर आपको कोर्टेक्स A73 के कोर्स दिए गए हैं, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क को यहां पर हैंडल करते हैं। इसके अलावा बात करें आपके मीडियम परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी के लिए, तो आपको यहां पर 4 कोर देखने को मिल जाएंगे 1.8 GHz के, जहां पर आपको कोर्टेक्स A53 के कोर्स देखने को मिल जाते हैं। और अच्छी बात है गाइस कि यहां पर आपको 2000 MHz की फ्रीक्वेंसी भी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब कि आपको डे टू डे टास्क और मल्टीटास्किंग वगैरह में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ में बात करें यहाँ पर इसके GPU और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर Adreno 610 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि 600 MHz की फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक किया गया है, और ये एक ड्यूअल कोर का GPU है, जिसका मतलब दोस्तों कि आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर आप BGMI जैसे गेम्स खेलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इजीली 29 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि लो सेटिंग पर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलना चाहते हैं, तो यार जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज होते हैं, तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा सेटिंग पर गेमिंग करने को मिल जाएगी और 28 FPS पर। जहां तक बात है स्मार्टफोन के औंतु स्कोर के बारे में गाइस, तो यहां पर आपको लगभग 170,000 के आसपास के स्कोर भी देखने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहां पर एक ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं और आपको यहां पर लॉन्ग टर्म तक स्मार्टफोन को यूज करना है, तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है यहां पर 3GB RAM 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 8,499 रुपए की प्राइस पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर अगले फोन की, और अगला स्मार्टफोन है यहां पर इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। चलिए शुरू करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन से दोस्तों, तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिलता है, जिसका मतलब आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके साथ में ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के गो एडिशन पर देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के मेन फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है यहाँ पर 6.82 इंचेस यानी लगभग 207 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको HD+ की रेजोल्यूशन और IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और गाइस जहाँ तक बात है प्रोटेक्शन की, तो आपको यहाँ पर NEG का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो आपको इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस फोन के कैमरा की, तो इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर 2 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर इसके सेल्फी कैमरा की दोस्तों, तो आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जहाँ पर आपको F2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ में बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। और ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, तो आपको यहाँ पर बैक कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी डिसेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के पावर हाउस की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरा देखने को मिलता है, जहां पर आपको नॉर्मल 10W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर MediaTek की तरफ से Helio G35 का चिपसेट, जो कि आपको यहाँ पर 12nm फैब्रिकेशन और साथ ही 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 8 कोर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 2 कोर आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए होंगे, जहाँ पर आपको 2.0 GHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A53 के कोर देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर आपके छुटुर-पुटुर कामों के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर 1.5 GHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 4 कोर देखने को मिल जाएंगे कोर्टेक्स A53 के, जिसका मतलब दोस्तों कि आपको यहाँ पर डे टू टास्क वगैरह में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं पर बात की जाए गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है PowerVR GE8320 का GPU, जो कि एक ड्यूअल कोर का GPU है, तो आपको यहाँ पर डेली परफॉर्मेंस के साथ में ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग भी काफी आसानी से कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर 3GB RAM 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 7,999 रुपए की प्राइस पर। वहीं पर इसका जो 4 और 64 वाला वेरिएंट है गाइस, वो आपको मिल जाता है यहाँ पर 8,999 रुपए की प्राइस पर। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर किसी भी एक वेरिएंट के साथ में जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अगले फोन की दोस्तों, और अगला जो स्मार्टफोन है ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स N2B। दोस्तों शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन के डिजाइन से, तो यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही आपको यहां पर भी ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहां पर एंड्रॉइड 10 पर देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स का पंगा देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन के मेन फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले। तो ओवरऑल दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, तो कंटेंट वगैरह वॉच करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। साथ ही दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको डिस्प्ले का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन माइक्रोमैक्स की तरफ से ये बताया नहीं गया कि आपको यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो बाकी सबके पास देखा जाए तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा की। तो इसके बैक में आपको यहाँ पर दो कैमरा सेंसर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर भी आपको f1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें सेल्फी कैमरा की दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ में सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वो भी 30 FPS पर। और इसके बाद में दोस्तों बात करें कैमरा परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल गाइस आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मार्टफोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको नॉर्मल 10 W की चार्जिंग और चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहाँ पर यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक T610 वाला प्रोसेसर, कि आपको यहाँ पर सेम 12 nm की फैब्रिकेशन पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 64-bit आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 8 कोर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 कोर आपको देखने को मिल जाते हैं आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, और यहाँ पर आपको 1.8 GHz तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी। और गाइज यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A75 के कोर देखने को मिलते हैं, जो कि A53 से काफी ज्यादा बेटर है दोस्तों। और वहीं पर बात करें यहाँ पर बाकी के 6 कोर की, जो कि आपके मीडियम परफॉर्मेंस टास्क के लिए देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको 1.8 GHz की स्पीड देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको कोर्टेक्स A55 के कोर देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल आपको यहाँ पर काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलने वाली है, डे टू डे टास्क और मल्टी टास्क में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और वहीं पर बात करें गेमिंग ग्राफिक्स GPU की, तो यहाँ पर आपको आम वाली G52 MC2 का GPU देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर ड्यूल कोर के साथ में देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर गेमिंग में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, इसका मतलब कि आप यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर या फिर BGMI जैसे कोई भी गेम आसानी से खेल सकते हैं। और तो अगर आपको यहाँ पर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन परचेज करना है, और साथ ही आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स का पंगा नहीं चाहिए, तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4 GB RAM 64 GB मेमोरी के साथ में 8499 रुपए की प्राइस पर। वहीं पर इसका जो 6 और 64 वाला वेरिएंट दोस्तों वो आपको मिल जाता है यहाँ पर 9499 रुपए की प्राइस पर। रियलमी C21Y भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर माइक्रोमैक्स N2B के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ 3 GB RAM के साथ में देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस आपको यहाँ पर 8999 रुपए देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो उस फोन के साथ में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ तगड़े स्मार्टफोन जो कि आपको इस प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।